सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का आज दोपहर के इस वीडियो में स्वागत है। आप सबसे कहना चाहेंगे कि अगर आप सब थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस बच्ची की मदद की जा सकती है। ये बच्ची शिशु गृह में जो है अभी है, 2 साल की है। इस मासूम बच्ची को अपने मम्मी पापा की तलाश है। आइए देखते हैं क्या मामला है, कहाँ से है। बाराबंकी जिला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर एक ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है और ऑल इंडिया को प्रसारण के लिए मंजेश जी हैं जो गोरखपुर जिले से आते हैं, जिन्होंने भेजा है और उन्होंने और इनके अलावा भी कुछ भाई बहनों ने इसी आर्टिकल को भेजा है। तो ऐसे में बता दें, ये मामले में बताया गया कि 10 दिन पहले लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से चोरी हुई 2 साल के बच्चे के मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। बच्चे को चुराकर बेचने की कोशिश करने वाले युवक को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि मासूम को उसके परिजनों को सौंप दिया जाए, मगर सफलता नहीं मिल रही। हाँ, ये लिखा गया है जो कि जहांगीराबाद पड़ता है थाना, वहां की पुलिस ने 10 अगस्त को चचेरुआ गांव निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 साल के बालक को बरामद किया था। पुलिस के अनुसार राजेश ने 7 अगस्त को लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर बरौनी एक्सप्रेस से बच्चे को चुराया था। वह बच्चे को 30,000 रुपये में एक व्यक्ति को बेचने जा रहा था। पुलिस ने केस दर्ज करके राजेश को जेल भेज दिया था। लगभग 2 साल का बच्चा माता पिता के लिए बिलख रहा था। पुलिस ने उसको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ उसे चाइल्ड हेल्पलाइन के जो है उनके पास सुपुत्र कर दिया गया और वहां से उसे लखनऊ के हजरतगंज स्थित राजकीय शिशु गृह भिजवा दिया गया। लेकिन उसके परिजनों का पता न लगने की वजह से पुलिस भी परेशान है। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनोज कुमार ने बताया कि बच्चा कुछ बता नहीं पा रहा है और काउंसलर भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। तो देखो, बच्चा क्या बताएगा, 2 साल का बच्चा है। तो ये सूचना प्रसारित हो रही है इस उद्देश्य के साथ, क्योंकि ऑल इंडिया से हर एक जिले से भाई बहन जुड़े हैं। यूपी के लखनऊ की 4 बाग रेलवे स्टेशन की यह घटना अगर कहीं पर भी, देखो हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में ऑल इंडिया से जुड़े भाई बहन हैं, तो कहीं पर किसी का भी बच्चा अगर वहां पर ऐसे लापता हुआ होगा तो जाहिर सी बात है ऑल इंडिया के जरिए उनके गांव में आंगनबाड़ी बहनों तक चीजें पहुंच जाएंगी। हो सकता है बहुत सी बहनें वीडियो नहीं देखती हैं तो उनके गांव तक जानकारी ना जा पाए। तो आप सब वीडियो देखने वाले भाई बहनों से छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर पाए उतना शेयर करें, हमारे लिए नहीं, व्यूज के लिए नहीं, ये उस बच्चे के माता पिता के लिए कि वो भी परेशान होंगे और इस मासूम बच्चे के लिए, इसके सुनहरे भविष्य के लिए कि इसके मां बाप का साया इसके ऊपर से ना हटे। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करें, वीडियो जितना ज्यादा आप शेयर कर पाए आज के इस वीडियो को, मैं विनती करता हूं उतना शेयर करें। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा शेयर करने को लेकर जोर नहीं देता, तो आज मैं दे रहा हूं, तो आज आप इसको शेयर करें ताकि हर किसी तक ये जानकारी पहुंच जाए। बताया गया 10 दिन पहले 4 बाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बच्चा चोरी हुआ था, तो आप भी करें मदद ताकि अपनों तक पहुंच सके मासूम। अमर उजाला ने भी पूर्व में भी इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया। ऐसे में आप भी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे के माता पिता या परिजनों तक सूचना पहुंचा सकें तो हो सकता है कि वह अपनों तक पहुंच जाए। सूचना प्रसारित या परिजनों की तलाश जारी। बच्चे के परिजनों को खोजने के लिए आसपास के जिलों के अलावा रेलवे पुलिस के सभी पोस्ट और थानों में भी बच्चे की फोटो भेजने के साथ ही सूचना भी प्रसारित करवाई गई है। मीडिया के माध्यम से कोशिश जारी है। दिनेश कुमार सिंह एसपी हैं, जिनका एक ये स्टेटमेंट भी इस दौरान यहां पर आया। तो सूचना जो है सही है, इसलिए मैं इसको प्रसारित कर रहा हूं ताकि ये आगे जाए और बच्चा अपने परिवार तक पहुंचे। और तो ऐसे में आप लोग भी थोड़ा कोशिश एक बार कीजिए, जोर लगाइए, हो सकता है आप सबके प्रयासों से जो है यहाँ पर ये बच्चा अपने घर तक पहुँच जाए। वहीं बात करते हैं बीनू दुबे बहन की, जो मिर्जापुर से आती हैं। देखिएगा इस वीडियो में और भी जानकारियाँ हैं। तो यहाँ पर निदेशालय उत्तर प्रदेश से एक लेटर 14 अगस्त को जारी हुआ है, जिसका पत्रांक 725 है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जितने भी डीपीओ हैं और प्रभारी डीपीओ हैं उन सबको लेटर दिया गया है। विषय है छाया
इंटीग्रेटेड विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, जिसको शॉर्टकट में आप CIVHSND कह सकते हैं, जिसकी त्रैमासिक जो है प्रगति के संदर्भ में ये लेटर है, अप्रैल मई और जून इन तीन महीनों के संबंधित। अब आइए देखते हैं और विस्तार पूर्वक क्या कहा जा रहा है निदेशालय से। बताया गया, जैसा कि आप अवगत हैं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रत्येक माह के बुधवार और शनिवार को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित किया जाता है, जिसमें बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा CIVHSND सत्रों पर पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से लाभार्थी को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं देने के लिए सहयोग किया जा रहा है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अप्रैल से जून 2024 की अवधि में उत्तर प्रदेश TSU के सहयोग से प्रदेश में जो है सत्रों का सहयोगात्मक परीक्षण किया गया। CIVHSND सत्रों के सहयोगात्मक परीक्षण से प्राप्त माह अप्रैल 2024 से जून 2024 तक की जनपदवार रिपोर्ट आपके संदर्भ एवं यथोचित कार्रवाई के लिए संलग्न भी है। पोषण सेवाओं को CIVHSND सत्र पर सुदृढ़ करने के लिए निम्न मुख्य बातों का निरंतर ध्यान रखा जाए, जैसे कि CIVHSND सत्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ड्यूलिस्ट के अनुसार सत्र दिवस के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लाभार्थी को अधिक से अधिक संख्या में सत्र पर मोबिलाइज करने में सहयोग प्रदान करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा सत्रों पर वृद्धि निगरानी उपकरणों की उपलब्धता और वृद्धि निगरानी भी सुनिश्चित करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण सेवाओं के लिए प्रत्येक सत्र पर पोषण कॉर्नर बनाना और लाभार्थी को पोषण सेवाएं देने में सहयोग प्रदान करना भी सुनिश्चित करेंगी। तो आप सब देखते हैं, एक तरह के काम नहीं है आंगनबाड़ी के दो पर, ऐसे न जाने कितनी योजनाएं, न जाने कितने कार्यक्रम सरकार चलाती है, और हर कार्यक्रम में आंगनबाड़ी बहनों को अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वहां पर बैठना पड़ता है, कभी पोषण कॉर्नर के रूप में, कभी कुछ के रूप में। तो इस तरह से सारे काम करने पड़ते हैं, और 8 से 12 उनको सेंटर का भी संचालन करना, और 12 से फिर 2 जो है गृह भ्रमण के भी कार्य करने। अब आप बताओ, एक आंगनबाड़ी आखिर एक समय पर कहां कहां कितने कितने काम करेंगी। तो इस तरह से कुछ जो है काम उनसे लिए जा रहे हैं। इधर बताया गया कि यहां पर CDPO सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने स्तर से निर्देशित कर दें, ये बातें भी यहां पर लिख करके आई हैं। सरनीत कौर ब्रोका जो निदेशक हैं, उन्होंने ये लेटर जारी किया है और आंगनबाड़ी बहनों से स्वास्थ्य विभाग के इन कामों को उनमें सहयोग देने के लिए लिखा है DPO लोगों को कि जो है आप लोग आंगनबाड़ी से ये कार्य करवाओ। तो ये किसका लेटर है? निदेशक जी का है और सभी जिलों के DPO लोगों के लिए। अब देखिएगा, यहां पर आगे ले चलते हैं और भी जानकारियों पर चर्चा करते हैं। देखिए कुछ कमेंट लगे हैं, जैसे कि लिखा गया, भैया जी मुझे ये बताओ कि मैंने अपनी ड्यूटी BLO से कटवा दी लेकिन फिर भी दोबारा से लगा दी गई, और हर बार क्यों लगा रहे हैं? देखो, ड्यूटी ऊपर से जिले से लगती हैं, फिर वो लिस्टें बनकर के आती हैं तहसील पर, ऐसे सब होता है। अब कटनाना लगाना वो अधिकारियों को ही पता होगा कि उन्होंने भाई क्यों लगाई, और साथ ही आपने किस वजह से अपनी ड्यूटी कटवाई थी, यानी कोई समस्या रही होगी स्वास्थ्य को लेकर के या जैसा कुछ हो, तो आप दोबारा से उनको अपना लेटर दे दें, कह दें कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, दोबारा ड्यूटी क्यों लगा दी गई। और वैसे भी कई जगह ड्यूटियां हटाई भी गई हैं, आपके वहां पर फिर लगाई गई, तो ये जिलों की भी कुछ कमियां हैं अधिकारियों की, और साथ ही आपके वहां यूनियन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब लेटर है वो सब चीज़ें हैं, तो ड्यूटी हटाई जाए BLO से, इस तरह के प्रदर्शन हो या उस तरह के ज्ञापन सौंपे जाएं, या जिले पर जो है यूनियन का को चाहिए कि वो DPO लोगों से, DM लोगों से इस बारे में वार्ता करें कि आंगनबाड़ी से गैरविभागीय कार्य ना कराए जाए, इस समस्या का वो लोग समाधान करें। बाकी बहुत सी बहनें हैं जो चाहती होंगी वो अपनी लगवाती हैं, तो इस तरह से बहुत सी हमारी इनकी जैसी जो बहनें हैं जो नहीं चाहती हैं BLO का काम करना, फिर भी जबरन उनकी ड्यूटी बार बार लगाई जा रही, जिससे कार्यकर्ताएं काफी परेशान हैं। मिनी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता बनाया जाए, MP से एक ये मैसेज आया, जिस पर एक भाई, उन्होंने कहा यह कहने से क्या होगा, गवर्नमेंट को ज्ञापन दीजिए। वहीं दूसरी एक बहन ने कहा कितनी बार ज्ञापन दे दिया, साथ ही ये यहाँ पर बोले इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं होने वाला। देखो भाई, ज्ञापन भी दिए जाते हैं और बहनें मांग भी करती हैं, दोनों चीजें होती हैं। ये नहीं है कि मांग नहीं की जाएगी तो सब हो जाएगा, या केवल ज्ञापन देने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। शासन में बैठे लोग भी, उन पर भी निर्भर करेगा वो क्या सोचते हैं। मध्य प्रदेश का आलम मैंने हाल ही में बताया था, वहां पर आपके जो वित्त वाले हैं
उन्होंने बोला है कि उनके ऊपर भार ज्यादा है, क्योंकि लाडली बहना जैसी योजना में कुछ जितने करोड़ मैंने बताए थे, वीडियो में दिखाया भी था कि इतने करोड़ रुपया वो खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मिनी को मेन बनाने में फिलहाल जो है कहीं ना कहीं उनके सामने वित्त वाली समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसा वित्त वालों का एक सुझाव रहा है शासन को, इसीलिए वहां पर देरी हो रही। जबकि नियम मानक हैं, केंद्र से भी हैं, राज्यों में भी होते हैं, कि जो मिनी कार्यकर्ता के सेंटर जो मेन के बराबर आबादी में पहुंच चुके हैं उनको मेन में अपग्रेड किया जाए, ऐसे नियम होते हैं। लेकिन इन नियमों का भी पालन आप तमाम राज्यों में देखेंगे कि होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप कोई भी राज्य उठा लो, आप यूपी ही क्यों ना उठा लो, यहां पर भी बहुत सी मिनी हैं जो बड़ी आबादी पर काम कर रही हैं मेन की तरह, लेकिन उनका सेंटर मिनी ही है, वहां पर उसको मेन में अपग्रेड अधिकारियों ने नहीं किया। तो इस तरह से कुछ चीजें चलती हैं, क्योंकि कर देंगे तो वहां पर वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा शायद इसीलिए, और उनका काम ऐसे ही चल रहा इसीलिए आगे चीजें नहीं बढ़ाई जा रही, जबकि करना चाहिए। और एमपी में शासन में बैठे लोग तो चाह रहे हैं कि मिनी से मेन में हो, वित्त वालों का यह सुझाव था। अब आगे क्या होता है, कोई जानकारी और आती है मिनी को मेन में करने की, तो समय समय पर बताया जाएगा चैनल पर, आप परेशान ना हो, वीडियो देखती रहे। जैसा जो भी यूनियन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, वार्ताएं चलती हैं, चाहे वो केंद्र में जाकर के वहां वार्ता हो या आपके स्टेट में ही सरकार से हो, हर तरह से जानकारियों को चैनल पर हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। मिनी आईसीडीएस कर्मी को लिखा गया कोटा नहीं है वेस्ट बंगाल में, तो मिनी बहनों को लेकर वेस्ट बंगाल में भी कुछ समस्याएं हैं। अब कोटा नहीं है वो क्या कहना चाहती है, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आगे बहन अगर लिखना तो थोड़ा और विस्तार में लिख देना, जो चीजें जो है थोड़ा और समझ में आ जाए। इधर हमारे एक भाई हैं, इन्होंने भी अपनी कुछ समस्याओं को बताया। दरअसल हाल ही में एक आंगनबाड़ी बहन ने शोषण के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अपने वहां जो है दिया था, शायद जिले पर, उसी को लेकर मैंने प्रसारित किया था। उसी में भाई ने कहा है कि उनके वहां पर भी ये सब चीजें होती हैं, इसलिए उनका सुझाव है कि मैं आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन के साथ कहता हूं कि डरे मत, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाती रहे, आज नहीं तो कल ऐसे भ्रष्ट लोग कानून की जड़ में आएंगे ही। अगर कहीं घूस ली जा रही है तो एंटी करप्शन टीम और लोकायुक्त की टीम, इनको आप शिकायत करके रंगे हाथ पकड़वाने का काम करें, तभी आप लोगों का समाधान हो पाएगा। यह बात 100% सत्य है। और हमारी बहनें क्या करने लग जाती हैं, उनके पास कोई साक्ष्य तक नहीं होता, ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो, ना कोई आईडियो भ्रष्टाचारी का या धनुगाही का, और वो बहनें चाहती हैं कि उनकी समस्याएं आगे बढ़े, समाधान हो जाए। तो बहनों, आप भले ही ऐसा चाहती हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं होता, बिना साक्ष्य सबूत के कुछ हो नहीं पाता। और वैसे भी साक्ष्य सबूत होते भी हैं लोगों के पास, तब भी कई मामले में, जैसे इन्होंने कहा इनके वहां एक प्रकरण रहा जिसमें ऑडियो क्लिप थी और उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर के अधिकारी कहीं ना कहीं बचाते रहते हैं लोगों को। तो इसीलिए अच्छा क्या है कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो या एंटी करप्शन टीम कह लो या लोकायुक्त की टीम कह लो, इनको शिकायत आप करें। ये लोग क्या करते हैं, रंगे हाथ जब वसूली घूसखोरी होती है तो वहीं छापा डाल करके तुरंत धर लेते हैं। ऐसे चीजों में जो है वहां पर भ्रष्टाचारी थमेंगी, पकड़े जाएंगे और उनको टीम ले जाएगी, तब कुछ होगा। ज्ञापन देने से या केवल प्रसारण करवा देने से हमारे यहां ये हो रहा समाधान नहीं होगा, जब तक साक्ष्य सबूत नहीं होंगे। या तो साक्ष्य सबूत जुटाओ, फिर आगे लड़ना तब भी पड़ेगा लिखित तौर पर ज्ञापन देने, या एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचित करो, चुपके चुपके वो आपकी पहचान गुप्त रखते हुए छापा मारेंगे और पकड़ लेंगे जिस दिन जो है वहां पर वसूली होगी। इस तरह से चीजें होती हैं, करना पड़ता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उमेश चंद्र मौर्य जी हैं देवरिया से, उन्होंने कहा पीएलआई कब तक आएगा भाई, सुपरवाइजर के परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे, ये सब चीजें हैं, लोग पूछ रहे हैं। तो देखो, सुपरवाइजर हो या किसी भी मामले में, ये भर्ती से रिलेटेड, वैकेंसी से यानी रिलेटेड, शासन की क्या नीतियां हैं, शासन किस जो है स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 1.5 साल हो चुके हैं जो है रिजल्ट नहीं आया है। और सिर्फ ये सुपरवाइजर का ही आलम नहीं है, तमाम ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिनके रिजल्ट ऐसे ही साल, दो साल, तीन साल नहीं आते हैं। तो ऐसे में ये कमियां हैं प्रशासन की, लोगों की और जनता की भी कुछ हैं, कि वो लोग फिर भी ऐसे लोगों को चुनते हैं और ऐसे में साल पर साल फिर मुंह ताकते रह जाते हैं। अब आप बताएं, साल साल, 1.5 साल रिजल्ट नहीं आता, बड़े ही शर्म की बात है आयोग के लिए जो परीक्षाएं करवाते हैं। रीजन ये है कि नेताओं के चुनाव कभी इतने लेट नहीं होते, उनके
इसलिए परिणाम कभी इतने लेट नहीं होते। लेकिन जनता और उनके लिए अगर बात की जाए तो डेढ़ डेढ़ दो दो साल रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। इतने समय में न जाने कितना नुकसान वो उठाते हैं, कितना मानसिक तनाव से युवा गुजरता है, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि देना चाहिए। चुनाव आएगा, वोट मांगेंगे तो तरह तरह से मांगेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ऐसे फिर वोट मांग लिए जाते, रोजगार के नाम पर, वैकेंसी के नाम पर कभी कोई नेता वोट मांगता ही नहीं, क्योंकि उसको वो उनको वो देना ही नहीं। अब यही चीजें हैं कि आप बताओ मैं क्या कह दूं इनको कि सुपरवाइजर के रिजल्ट कब आएंगे, कोई जानकारी ही नहीं। लखनऊ में प्रदर्शन भी लोगों ने किया था सुपरवाइजर वालों का, जिनका भी पेपर हुआ था, लेकिन कोई अभी भी कोई सुनवाई आयोग की तरफ से नहीं। ऐसे एक दो पेपर नहीं, ऐसे तमाम जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट जो अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, ये आलम है। तो क्या कहें ऐसे मामलों में। जोहरा खातून सिद्धार्थनगर से हैं, उन्होंने भी अपने वहां से कहा कि जो लोग का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिए हैं लाभार्थी, अगर दूसरा नंबर आधार से लिंक करवाए हैं तो फिर हम लोगों को आधार लिंक नंबर से ईकेवाईसी करना होगा, जो पहले से नंबर वेरीफाई है वो चेंज कैसे होगा। देखो, जो आपने नंबर किसी का सत्यापन किया मोबाइल नंबर, वो सत्यापन मोबाइल और आधार वो अलग चीजें हैं, वो सत्यापन हो चुके हैं, डबल टिक वो हो चुके, वो चेंज नहीं होंगे। अब जो ऑप्शन आया है वो स्टार्टिंग में ही ई केवाईसी का ऑप्शन आपको एक मॉड्यूल टाइप से मिल जाएगा, वो बाहरी मिल जाएगा, वहां से आपको करने हैं, वहां पर लाभार्थी का आधार नंबर जो भी आपने फीड किया उसकी माता का लगा करके, तो माता का आधार नंबर आप डालेंगी, उस आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लगा होगा माता का, वो नंबर उनको बस लेकर बुलाना है, लेकर के वो आए, उसमें ओटीपी आएगा। पहले वाले नंबर को चेंज नहीं करना जो वहां पर लगा है, क्योंकि वो चेंज होगा ही नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। जो आधार में नंबर लगा है वो नंबर जरूरी है, और उसी नंबर पर ओटीपी आएगा, वही भर दिया जाएगा। पहले वाला जो नंबर फीड हो चुका, सत्यापित हो चुका, उससे कोई मतलब फिलहाल नहीं है। इधर यहां पर एक बहन है हेमलता, और आगरा जनपद से आती है, उन्होंने कहा अकाउंट में जुलाई माह का कोई पैसा नहीं आया है। तो देखो, आगरा का ये आलम है, कोई पैसा नहीं आया, जबकि कुछ स्टेट में कुछ यानी यूपी के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, वहां पर आपने देखा है कि 4500 रुपए मात्र आए हैं कहीं कहीं, बाकी अतिरिक्त मानदेय पीएलआई किसी का नहीं आया, लेकिन इनके वहां पर उन्होंने कहा जुलाई माह का कोई भी पैसा नहीं आया। तो इनका भी कहना जायज है और सत्य है, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास कई जनपदों से सूचनाएं मैसेज आई हैं जहां पर 4500 रुपए भी नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है पैसे ना आने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं बजट का ना होना ही हो सकता है। अप्रैल मई जून, उसके बाद होता है जुलाई अगस्त सितंबर, त्रैमासिक रूप से शायद बजट का आवंटन होता होगा, इसीलिए जुलाई का ही ये पैसा आना था, और इसीलिए कहीं कहीं जितना रहा होगा पिछले के हिसाब से उतना भेज दिया, कम पड़ गया होगा तो वो चीजें मैसेज स्वरूप सब फेल्ड हो गए होंगे, ऐसा संभवता हो सकता है। बाकी ये कोई निदेशालय से जानकारी नहीं भेजी गई है जो हम आपको सत्यता की पुष्टि के साथ में कह सकें। संभावनाएं हैं, जो लगता है मुझे वो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं बजट का ही इशू इनका रहा होगा। अब ये कब तक लेकर के आएंगे वो देखना पड़ेगा। हाँ, कोई बजट संबंधित कोई लेटर अगर आएगा तो हम चैनल पर बताएंगे। सलमा बहन मुरादाबाद से हैं, इनका भी सेम यही समस्या है, मानदेय पीएलआई को लेकर के परेशान हैं। और भी ये बहनें हैं, इनका कहना है मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक से हूँ, हमारे यहाँ जितना भी हार्ड कुक का पैसा आता है वह तुरंत ही बैंक द्वारा काट दिया जाता है। मतलब समझे नहीं हम कि बैंक द्वारा काट दिया जाता है का मतलब क्या हुआ। प्रधान के साथ में शामिल खाता है, बार बार सीडीपीओ को बताने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। देखो, हार्ड कुक्ड का जो अकाउंट है वो प्रधान के साथ ही होगा, वो ज्वाइंट अकाउंट ही बनाए गए हैं। अब आपने कहा बैंक द्वारा तुरंत काट दिया जाता है जब पैसा आता है, इसका मतलब हम नहीं समझे। क्या बैंक आपके अकाउंट में पैसा आया, बैंक क्या उड़ा देगी तुरंत? ऐसा थोड़ी होगा, पैसे निकाले जाते हैं, दोनों बहनें मिलकर के निकालती, यानी आप और जो प्रधान होंगे वो दोनों मिलकर के आप लोग निकालेंगे, ये चीजें होती हैं। बाकी तुरंत बैंक द्वारा काट दिया जाता है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखती तो हम कुछ समझ पाते, बाकी इतने बात से तो कुछ समझ में आया नहीं है। आगे आप लोगों को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।